कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच में विराट कोहली का आउट होना बड़े विवाद का कारण बना। देखिए कैसे नो बॉल को लेकर अंपायर से भिड़ गए कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले खेलते हुए 222 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जब RCB के लिए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ओपनिंग करने आए तो उन्होंने टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई, मगर तीसरे ओवर में विराट कोहली जब आउट हुए तो बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद उन्होंने फुल टॉस फेंकी। कोहली ने बल्ला अड़ा दिया, जिससे गेंद हवा में जा उछली। कैच पूरी होने के बाद कोहली ने तुरंत DRS की मांग की, क्योंकि उन्हें लग रहा था जैसे ये नो बॉल थी। लेकिन अंपायरों द्वारा भी इस गेंद को रिव्यू किया गया। कोहली आश्वस्त थे कि गेंद नो बॉल थी, लेकिन जब ग्राफिक्स में देखा गया तो गेंद की ऊंचाई नो बॉल की तय रेखा से नीचे थी। ये सब देख कोहली की मैदान में मौजूद अंपायर से काफी बहस भी हुई। कोहली का आउट होना इसलिए भी विवाद का कारण बना क्योंकि जब उनकी कैच हवा में उछली तब कोहली क्रीज के बाहर खड़े थे। ग्राफिक्स को देखते हुए कमेंटेटर्स ने भी दावा किया कि अगर कोहली क्रीज के बाहर ना आए होते तो गेंद नो बॉल के लिए तय ऊंचाई से नीचे रहती। इसके बावजूद जब टीवी अंपायर ने फैसला सुनाया तब भी कोहली अपना सिर हिलाते हुए डगआउट की तरफ चल पड़े थे। इस विवाद ने स्मार्ट रिव्यू सिस्टम और बॉल ट्रैकिंग सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं कोहली के मैदान से बाहर जाने के बाद RCB के कप्तान फाफ डु प्लेसिस भी अंपायर से पूछते हुए दिखाई दिए कि आखिर यह सब कैसे हुआ। कोहली के इस तरह आउट होने पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, सच में कोहली आउट थे या ये ककर या अंपायर की कोई साजिश थी? कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास को पूरी तरह निकाल दीजिए।